आज मैं आप लोगों को चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ और उस चैप्टर का नाम है गुदगुदी। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, यानी नेताजी क्या भाषण दे रहे हैं, हमें अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। भीड़ में से एक व्यक्ति जोर से बोला, मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यह पुलिस वाला बार बार बैठा देता है। और दूसरा है, एक बच्चा तबला सीखने जाता था। सर बोल रहे हैं कि सोनू तुम 2 दिन से तबला सीखने क्यों नहीं आए। तो सोनू कह रहा है, सर मेरे पास एक ही कुर्ता पायजामा है, वो मैंने धोया था इसलिए परसों नहीं आ सका। तो सर कह रहे हैं, और कल क्यों नहीं आए। तो सोनू कह रहा है कि जी मैं कल आया था मगर आंगन में आपका कुर्ता पायजामा सूखता देखकर वापस चला गया। तीसरा है, अध्यापक कह रहे हैं, श्याम चलो मुर्गा बन जाओ। तो श्याम कह रहा है, सर आज कुछ और बनाइए। अध्यापक, क्यों। श्याम कह रहा है, रोज़ रोज़ मुर्गा बनते बनते मैं ऊब गया हूँ। चौथा है, अध्यापक कह रहे हैं, राजू आज तुम स्कूल देर से क्यों आए। राजू बोल रहा है, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अध्यापक कह रहे हैं, तुमसे किसने कहा था धीरे धीरे चलने के लिए। राजू कह रहा है, सर सड़क पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था धीरे चलें। पांचवा है, पर्यटक गाइड से बोल रहे हैं, यह खाई तो बहुत खतरनाक है। तो गाइड कर रहा है, जी हाँ पर्यटक कर रहा है, तो फिर यहाँ खतरे का बोर्ड क्यों नहीं लगाया। गाइड कर रहा है, शुरू में तो लगा था, बहुत दिनों तक कोई दुर्घटना नहीं हुई इसलिए हटा दिया गया। छठा है, एक कंपनी में इंटरव्यू चल रहा था। मैनेजर ने एक उम्मीदवार से कहा, देखिए हमें इस समय एक जिम्मेदार आदमी की ज़रूरत है। तो उम्मीदवार, सर आप चिंता न करें, मुझ जैसा जिम्मेदार व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता। मैं पहले जहां काम करता था वहां हर गलती के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। सातवां है, भिखारी ने एक घर के बाहर आवाज़ लगाई। घर का मालिक बाहर निकलकर आया। भिखारी बोला, इस लाचार को कुछ दे दो बाबा। घर के मालिक ने उसे निकालकर 1 रुपया दे दिया। भिखारी कह रहा है, भगवान आपका भला करें, आप वो मोटर कार दें। यह सुनते ही घर के मालिक ने भिखारी से रुपये वापस ले लिया। बोला, कल रात ही मेरा पत्नी से झगड़ा हुआ था, मैंने साफ कह दिया था कि इस घर में कार नहीं आएगी। और आठवां है, चुनमुन कह रहा है, मेरे पिताजी सड़क पार करते हुए बहुत डरते हैं। तो मुनमुन कह रहा है, अच्छा पर तुम्हें कैसे पता चला। तो चुनमुन कह रहा है, वे जब भी मेरे साथ सड़क पार करते हैं मेरी उंगली पकड़कर चलते हैं। और नवा है, यात्री कंडक्टर से कह रहा है, बस में और जगह कहाँ बची है जो एक और आदमी को बुला रहे हो। तो कंडक्टर, वह यात्री नहीं बस का ड्राइवर है।